अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी प्लस। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन के इंटीग्रल को। हम ये कहा गया फाइंड आउट द इंटीग्रल या सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या है, 1 ओवर एक्स डी वाई डी एफ एक्स माइनस 2 वाई इज इक्वल टू जीरो। डी स्टूडेंट, अगर आप मैथमेटिक्स की कोई से भी कोर्स पढ़ना चाहते हैं या हमारी ऑनलाइन अकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 03042291893 पर हमसे रब्ता करें, ठीक है स्टूडेंट। अब आप जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें तो सबसे पहले आपने सेपरेबल ऑफ वेरिएबल की फॉर्म में जाना है। क्या मतलब इस बात का, सेपरेबल ऑफ वेरिएबल का? इसका मतलब यह है कि आपने पहले एक्स वाले वेरिएबल को एक साइड पर कर लेना है और वाई वाले वेरिएबल को एक साइड पर कर लेना है। देखिए स्टूडेंट, हम इसको कैसे करेंगे, 1 ओवर एक्स डी वाई डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2y। 2y इधर आ गया, ठीक है। अब आपने करना क्या है स्टूडेंट, एक्स और वाई वाले वेरिएबल को सेपरेट करना था। हम मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, डी वाई डी एफ एक्स इज इक्वल टू 2xy। ये तो पेचीदा फॉर्म बन गई है, लेकिन हम मजीद इसको सॉल्व करते हैं, डी वाई बाई इज इक्वल टू 2xy डी ऑफ एक्स, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए हमारे पास क्या आएगा, ये y को इधर ले आए, ये क्या आ जाएगा, 1 ओवर y डी ऑफ y बराबर है 2x डी ऑफ x। अब देखें सेपरेबल ऑफ वेरिएबल का काम हो गया, यानी कि डी ऑफ x वाली टर्म एक साइड पर है उसके साथ x है, डी ऑफ y वाली टर्म एक साइड पर है उसके साथ y है। अब आपने करना क्या है, अब आपने स्टूडेंट इंटीग्रल अप्लाई करना है। अप्लाइंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, तो आ जाएगा 1 ओवर y डी ऑफ y बराबर आ जाएगा 2x डी ऑफ x। अब सिंपल है, फंक्शन बटे में है, ऊपर इसका डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रल क्या बन जाएगा, ln ऑफ y, इसका क्या आ जाएगा 2, इसकी पावर में 1 ऐड कर देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, प्लस ln ऑफ c। जब भी आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ लॉग आ जाए तो आपने c के साथ भी लॉग लगाना है। अगर आप ना भी लगाएंगे आपका प्रॉब्लम तब भी ठीक होगा, लेकिन आपको सॉल्यूशन में सॉल्यूशन करने में थोड़ा सा इशू बनेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो अब देखें हम इसको इधर लेके जाते हैं, ln ऑफ y माइनस ln ऑफ c बराबर आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, या आ गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखें हमें पता है कि एलन की प्रॉपर्टी होती है कि जब दो टर्म्स लॉग में ए माइनस लॉग ऑफ बी हो रही होती हैं तो उनको बटे में लिखा जाता है, लॉग ऑफ ए ओवर बी। तो ये क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ वाई ओवर सी बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब हम लॉग को ख़त्म करने के लिए एक्सपोनेंशियल लेते हैं, तो ये आ जाएगा ई ऑफ एलन ऑफ वाई ओवर सी, ये आ जाएगा ई ऑफ एक्स स्क्वायर। ये एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आएगा वाई ओवर सी बराबर आ जाएगा ई ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सी को इधर ले जाए तो वाई बराबर आ जाएगा सी ई ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज आवर ई ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ओके।